आप सब कैसे हो? आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। तो गाइस आज की शुरुआत कुछ ऐसे कि आज हम जाएंगे एक बार दीपा आंटी के पास, क्योंकि उन्होंने गणपति जी स्थापित किए हुए और नेक्स्ट टाइम हम करेंगे, मम्मी ये कह रही है। तो एक बार मैं पानी ले आती फटाफट से, बाकी मम्मी कह रही है एक बार पानी ले आ। गाइस एक ना एक समस्या आई रहती है, माई हूं ना बस ना, बहुत ज्यादा टेंशन हो रही, बहुत ज्यादा कि तनु पे वो गले पे था ना, वो सुनने को मिला है कि मम्मी देखो फिर मेरे गले पे हो गया। मेरे को इतनी टेंशन, मैं मेरी बीमारी का भूले बैठी थी, क्योंकि मैं जब नहीं दिखा रही थी मंखा, थोड़े दिन रुक जाता तेनों फिर दिखाऊंगी मैं, और मेरे सारे स्वेलिंग आती जा रही, सारे टोकते जा रही हैं। फिर अब तन्नू की टेंशन होगी मेरी, मैं करूँ तो करूँ क्या, इसका जो गले पे चीज़ लड़ी थी ना दोबारा से, उसी ने दोबारा से अटैक फिर हो गया। डॉक्टर ने ये कही थी कि बार बार इसी चीज़ पर हो रहा है, कुछ रीजन ना हो। मैंने दवाई भी दिलवा दी थी इसकी, एक दो महीने चली हुई थी, उससे भी ठीक नहीं हुआ। तो आप ज़रूर मुझे कमेंट में ये बताओ कि मैं किस डॉक्टर से दिखाऊं, मैं बहुत ज़्यादा तंग हो चुकी हूँ अकेली, बहुत ज़्यादा। बंदा ना कहाँ कहाँ जाए, कहाँ कहाँ जाए, बहुत परेशान हो चुकी हूँ, कभी कहीं कभी कहीं। और अब तन्नू को भेज रही हूँ, मैं कहा बेटा तू पानी लिया, मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। और उसके बाद ना आपको पता है, तन्नू ने बताया दीपा के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि गणपति जी मैंने इसलिए भी उठाई क्योंकि मेरे बाहर अंदर के काम इतने रहते इतने, और उसमें ना 24 घंटे अखंड ज्योति भी जलनी चाहिए और पूजा पाठ भी होनी चाहिए। पूजा पाठ मेरी होती पर वो नहीं हो पाएगी, जो हम बिठा लेंगे तो 5 दिन कहीं निकलना होगा। तो मैं हाँ, तो अगली बार दुआ करो कि माई रानी बस मैं गणेश जी को बिठा लूँ और फिर अच्छे से पूजा करूँ, बस अच्छा सा दिन आ जाए। अब की बार बहुत टेंशन है कि मैं ज़्यादा तो बता नहीं सकती। आज नया सूट जो कि फिरोक सूट है, बहुत ही प्यारा लग रहा है, बता दे एक बार कहाँ से आया। तो इतने इसकी इतनी सारी चीजें है गाइस, बहुत ही प्यारी प्यारी फ्रॉक आई है भाई ना, सारी चीज देखने को मिला। फाइनली हम लोग हो चुके हैं रेडी जाने के लिए, और माइक मैंने बिल्कुल मुंह के क्लोज करा हुआ है क्योंकि आप पीछे चल रहे हैं गाने, सो दैट्स व्हाई। तो गाइस मम्मी को देख सकते हो आप कितनी प्यारी लग रही है मेरी, मैं तो काली हो रही हूँ भाई बहुत ज्यादा, नहीं आएगा माइक है इसलिए नहीं आएगा। हाँ तो पहले रीना आंटी से मिलेंगे, फिर मिठू को ड्रॉप करेंगे, फिर हम आंटी के पास जाएंगे। आंटी से जाने से पहले हम कुछ लेंगे गणपति जी के लिए, फिर आंटी के पास जाएंगे, फिर वहाँ पे जाएंगे, फिर आपको सबसे मिलाएंगे। बस इतना ही बोलूंगी अभी। तो गाइज मेरी फ्रेंड ठीक हो चुकी है, मैं बता भी चुकी हूँ मुझे माता पे किस लिए जाना पड़ा, यही रीजन था। ये इतनी सीरियस थी कि इसके बचने के कोई चांस नहीं थे, और माता जी के आगे अर्जी लगाई हमने, माई ठीक कर दे, मैं तेरे ना उसी टाइम आ जाऊँगी जिसने दो दिन पहले छुट्टी मिली है, और माता जी के मैं दर्शन करके आई हूँ, और अब लगाऊँगी अखंड ज्योति इसके नागी, क्योंकि इसकी मैंने बोली थी कि यह ठीक हो जाओ और मैं अखंड ज्योत लगाऊंगी, मुश्किल से ठीक हुई है, बहुत मुश्किल था सुनी है भाई गाइज, इसका कोई चांस नहीं था, डॉक्टर ने साफ मना कर दिया था। सोनू ने इसकी अर्जी लगवाई माई की, हमारी जीण भवानी में इतनी शक्ति है मैं क्या बताऊँ, हम इतने रोए हैं, जो 2 दिन मेरा ब्लॉक मिस होया ना पीछे इसकी वजह से होया कि मेरा बिल्कुल मन नहीं था, हम रो रहे थे सारे घर के, बहुत ज़्यादा सीरियस थी उस दिन ये, ज़्यादा तो मैं ब्लॉक में नहीं बता पाई आपको, मौका कर देंगे लोग सारी बारिश का उठाए रखती है। तो यही रीज़न था, मेरी फ्रेंड बिल्कुल ठीक हुई, बेस्ट फ्रेंड है मेरी ये, जान है ना सोच लो, अरे ये जान बच गई ठीक हो गई। अगली बार मैं जीवन माता जी पे लेके जाऊंगी, अगली बार जाएंगे हम जीवन माता जी पे तो इसके दर्शन जरूर करवाएंगे। तो गाइस हमने गणपति जी के लिए भोग ले लिया है, हमने भोग में लिए हैं केले लिए हैं, मोतीचूर के लड्डू लिए हैं, पेड़ा लिया है, और क्या लिया है, पेस्ट्रीज लिया है। तो अब बस आंटी के पास कॉल करते हैं, आंटी जी कहाँ पे है क्योंकि रास्ता में याद नहीं है उनके घर का, तो आंटी को बुलाते हैं फिर उनके साथ चलते हैं। तो जी हम आ चुके हैं दीपा दीदी के पास और गणपति जी के दर्शन करने के लिए, हमारे भाग्य है कि दीपा ने बुला लिया हमको, नहीं तो हमने तो दर्शन किए भी नहीं थे, नहीं किए थे ना दीदी? नहीं दीदी, भाग्य तो, क्यों है, ये अपने अपने भाग खुद लेके आते, भाग मेरे इस बहाने मिलने तो आए हो, और फिर भी है ना सवाल कर रहे दीदी कहाँ है, दीदी कहाँ है। मैं ना कल नु सोचू थी, मैं तन्नु अपनी तो किस्मत ऐसी है, आप कितने दर्शन करने गई, आपका फोन आज अटकस है, मन ले भाई तन्नु दर्शन करने खातर दीदी ने बुला लिया, दिल्ली बुला ना करे है ना, उधर जान ना करे, आज 4 फोन आए हैं भाई, आज दीदी से ना आज इतने दिनों के बाद मिली हूं, सोच ले कितने दिनों के बाद मिली हूं, 2-3 महीने पता ही नहीं, हमें तो बहुत टाइम हो गया मिले हुए, आप लोग ना मेरे लोग में कई लोग कमेंट भी कर रहे हो, कॉल भी कर रहे हो, हमारी कोई बात नहीं होती, बात होती क्या, दोबारा मिल जाएगा इंसान है, हम ना लोग नहीं लेते हैं, हम ऐसे ही हैं भाई, आप मिल ले मत कुछ भी सोचा करो, प्यार जो है ना वो पार्लर तक सीमित नहीं है हमारा, हमारा
अपना एक दूसरे की जरूरतें हम फोन पे भी पूरी करते हैं, जैसे होता है करते, तो प्लीज आप लोग मुझे कॉल करते हो ना तो मुझे बड़ा बुरा लगता है, मत क्या करो। 10 दिन में हमारा फोन न होले आपस में, अगर जब तक ना लगे लग गया तो यूं लगा लो आप, 60 मिनट 70 मिनट हमारी बात कंटिन्यू चलेगी, फोन जवाब दे जाएगा पर हम नहीं देंगे। धमकी से बड़ भी कौन पसंद, फेसियल करवा लियो तो फेसियल करवा हुआ है, नो में लड़ा जाओ तो नो नहीं पसंद। नहीं, अब मैं ना लेजर मशीन लेकर आ रही हूँ, जब आओगी दीदी और फिर मैं दीदी का फोटो फेशियल करूंगी और दीदी की लेजर स्टार्ट करूंगी। अब मैं बहुत जल्दी लॉन्च कर रही हूँ और आप सबको पता है कोई भी मशीन आए लॉन्च ये करेंगे, लेजर मशीन ले आओ बस, बस बहुत जल्दी आने वाली है, आप गणपति के दिनों में ही आपको देखने को मिल जाएगी। और बस आज मैंने बोल दिया आपको, देख के देख लो सरप्राइज दे दिया दीदी ने, ये तो लेजर का तो सपना जरूर तोड़ रही है। हाँ, लेजर करवान लग गया आजकल, आज मेरे पास एक क्लाइंट आई बोली बताना सपना दीदी नहीं आते, इतनी देर में आपका फोन बजे कि दीपा मैं आ रही हूँ, इनका देखो नंबर। ना ना मेरी कोई लड़ाई नहीं, किसी से भी लड़ाई नहीं होती। देखो मेरा थोड़ी प्रॉब्लम भी बीच में इतनी होगी थी कि मेरा ना सारी जगह पे आना जाना बंद हो गया था सारी जगह। और दूसरी बात ये देखो एक बंदा है कहाँ कहाँ जाए, और मैं भी इतनी बिजी हूँ इनको संभालने नहीं जाते, फिर भी इनकी हिम्मत है ये फोन पे मेरे को संभाल ले। बैठी चुपचाप बैठी है, इसका नजर का तागा करवा दो। करवा दिया, इसका लगा नजर और कुछ बीमारी नहीं है इस लड़की का। नेल आर्ट कितने कैंसिल हो रहे हैं पता है, तबीयत खराब की वजह से। भाई खा पी का ऐश करया कर तू, या ना एक तो टेंशन बहुत ले घर की, तन्नू ने देख हमारे किसी चीज की टेंशन नहीं, ऐसा ही होना चाहिए बच्चा। मेरी तन्नू ठीक है, किसी चीज की टेंशन नहीं लेती है। अरे तन्नू हाँ भर दे, ले तो भोग लगा दे, तो चल तन्नू भोग लगा आ दो ले बेटा, हर अच्छी सी मन्नत। तो गाइस देखो नजर के कडूले भी बना रखे हैं, बहुत ही प्यारा गणपति कभी नजर हो जाए, और ये देख लो क्योंकि मैं पहली बार आई हूँ, मैंने ये नहीं पता था क्या लेके आना है क्या नहीं लेके आना, मेरी इच्छा थी मैं ना वो ही ले आई, और आगे से पता चल गया मेरी पीछा दीदी। ओहो ये देख लो साथ पूजा करवाती है भाई, आपकी आवाज दूर से सुन गुण, ये देख लो सब ना खा भोगती रहो ना, मेरे सुनी भोग के देख लो बना ले तो कर तनु लगा दे भोग तो कन्नू जी हमारे अगले साल हमारे घर बैठ जाना भाई, मैंने नॉलेज नहीं है इतनी, पर अगले साल मेरी आप ना कन्नू ले आओ मैं आ जाऊंगी। ठीक है फिर तो रेडी आंटी, ओहो राम बरसेगा, राम सारा करवा के जाओ, राम बरसेगा भाई, आप कन्नू लाओ मैं आपके साथ आऊंगी। कदे नू कदे हाँ सपना फुर्सत को नहीं मना तो इनके लिए सब छोड़ दूंगी, सब छोड़ दूंगी, चलो फिर बढ़िया भाई ना मैं आऊंगी देखना फिर। बोलिए लेट हो रही है, चल 7:30 हो रहे हैं, आ जाओ आ जाओ, तो जानका जी नहीं करता तो मैं ना एक बात सोचू दीदी, पता है क्या होया, कौन 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 मेरे ब्लॉक में कौन, हाँ वो नहीं आई थी लौकी मम्मी, कौन थी देनू को थे, अब ना आपके ब्लॉक में ना वो नहीं दिखती, मतलब आपने दिखाना जरूरी हो जाए क्या ब्लॉक में हर किसी ने, मेरी यह बात नहीं समझ मान दी। सबकी पर्सनल लाइफ है, देख मेरी क्या आदत है, मन्ना एक चीज सीखनी पड़ेगी, जड़ा भी जाओ ना मन ब्लॉग स्टार्ट करना पड़ेगा, मन्ना कोई मेरे गल रखना पड़ेगा स्पेशल, मतलब कमेंट आ जाएगा अगला दिन आपके ना ब्लॉग में फलाना आदमी नहीं दिख रहा। गाइज मैं सारी चीजें ब्लॉग में नहीं दिखाती, हर चीज ब्लॉग में दिखाना जरूरी भी नहीं होता, सेम बंदे को थोड़ी दिखा सकते हैं हम। आपके ब्लॉग में सरोज नहीं दिख रही, आपके ब्लॉग में लौकी मम्मी नहीं दिख रही, आप उसके उस पर नहीं गए, मखा कमाल हो गया भाई, तुम्हारी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली है ना वो हमारी, मिस करती है, मिस हाँ, करती है फैमिली, बहुत अच्छी फैमिली है ये सोच लो कि बहुत अच्छी है, है? क्यों हो बेटा मम्मी मुझे माइक दे रही है, मम्मा आपका मुंह इतना अच्छा आ रहा था, मेरी माँ क्या हो रही है, अपने कपड़े किस तरह उठाए हैं, पट्टा उठा के लेके गई अपने मुंह में, तो बहुत मीठा सा मुरब्बा, तो शहद का डब्बा। तो हम आ चुके हैं दीपा के पास से, 2-2.5 घंटे लगे, इतनी बातें हुई है, और इधर मैं लेके आई हूँ घी जो कि ये रखा घी देख लो, ये लेके आई हूँ देसी घी 5 किलो, और ये लेके आई हूँ लड्डू गणेश जी का भोग लगाने के लिए, ये लेके आई हूँ सौंफ जो कि मैं आज पानी मेरा उबालने वाली हूँ, मुझे ना पूरा ध्यान, और अब लगाने वाले हैं हम अखंड जोत,
आज सारी तैयारी करी, कल से मेरी अखंड जो चलो जगी, जो कि मेरी आज से 6 साल पर लगातार चलती रही है लगातार। और मैं अब है ना काम के चक्कर चक्कर में सब कुछ भूल चुकी थी, पूजा तो मैं करती हूँ पर मेरी दिन रात जो चलती थी 6 साल मेरी दिन रात जो चलती है, जब से ब्लॉक जिंदगी में है ना, जब से मेरी ब्लॉक न सोच लो पूजा भी बहुत कम हो रहा है क्योंकि काम का बर्डन इतना, कभी ये कभी वो कभी ये, तो अपना रूटीन दोबारा से चालू करते, दोबारा से पूजा करनी। तो गाइस ये था वो पूरा सेट, ये रहा। मैंने जींस पहन रखी थी लेकिन ये पूरा सेट ऐसे है, अच्छा लग रहा व्हाइट कलर का है ना। ये जैसे कोई विसर्जन वगैरह पे जाए ना तो उसके ऊपर दुपट्टा और ले लो कोई मल्टी कलर का, अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। व्हाइट रंग तो गाइज मुझे इतना पसंद है, मेरी पूरी अलमारी में दिखाऊंगी मेरे कितने व्हाइट से भरी पड़ी है पूरी अलमारी। और मैंने आज है ना कई दिनों के बाद है ना, कई दिनों के बाद क्या, पिंक रंग का सूट मैंने बहुत दिनों के बाद पहना है, मैंने पहली बार को रिसीव हुआ है imara.official की तरफ से, तो उसके पास मेरे बहुत सारे सूट आए थे, तो ये ना देख लो मैंने पसंद भी नहीं किया था उससे पहले भेज दिया, बहुत प्यारा कपड़ा है बहुत ही सुंदर, अगर किसी ने भी लेना तो उनको बता अच्छे से बता। तो गाइस किसी को भी अगर लेना है तो डिस्क्रिप्शन में उनकी आईडी का लिंक मिल जाएगा, स्क्रीन पे उनकी आईडी और नंबर शो हो जाएगा आपको, तो फटाफट से जाओ उनके नंबर पे कॉल करो और उनके पास मैसेज करो, अगर आप दिल्ली से हो तो दिल्ली से तो आपको जल्दी डिलीवर हो जाएगा। हाँ, तो वो भी दिल्ली में ही, बहुत ही प्यारा कलर लग रहा है क्योंकि मैं पिंक रंग का डालती नहीं हूँ, मैंने सोचा था मैं कहता हूँ बार मम्मी को भी पिंक कलर पसंद बहुत, मैं कहा बेटा मैं ना पिंक रंग लेऊंगी तो ना ये पिंक रंग बिना बोले भेज यार, ये आए हुए पता कितने दिन हो गए, पूरा 1 महीना राखी रक्षाबंधन से पहले आया था, बहुत फास्ट है। तो इधर कर रही है तनु सफाई और मैं कर रही हूँ रसोई में, देख लो घी निकाल रही हूँ दूध गर्म कर रही हूँ सोफ उबाल रही हूँ, और तनु ने कहा बेटा इसने अच्छे से साफ कर दे, मैं कर रही थी मम्मा मैं कर दूँ तू कर दे अच्छे से, और फिर सलाद चीर लियो ठीक है, रोटी नहीं बनाएंगे। तो गाइस काम कंप्लीट कर लिया, अब हुआ एक दिन कहीं बाहर चले जाओ बस ये हो जाए कि काम बेरा नहीं कितना खिंड गया पूरे मतलब खिंड गया। तो फ्रिज की भी सफाई करी है मैंने, सोफ उबाली है, दूध गर्म किया है, दही जमाऊंगी, और जो चावल थे वो साफ करने थे वो कल करूंगी, याद ही नहीं रहता कुछ भी, उसमें फिर से सुरसी लगी पता नहीं, ये एक बात जरूर बताना है सुरसी क्यों लगा है मेरे चावलों में दाल में सब में सुरसी लग कर खड़ी हो जाए। तो सारे काम कंप्लीट किए हैं और रसोई की टूटी हुई है ना टूट चुकी है। तो गाइस आज का ब्लॉग हम इसी के साथ एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं करा है तो फॉलो कर लो।